नमस्कार, मैं शालनिशा क्या और आप देख रहे हैं एसपीएन 9। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनके कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। तो आखिर ऐसा क्या वजह हो सकती है अखिलेश यादव की इस चुनाव की रेस से बाहर आने की? क्या वे इस बार अपने चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं? बता दें कि आज अखिलेश यादव कन्नौज से बूथ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें इस फैसले पर अंतिम मोहर लग सकती है। दरअसल अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को रामपुर लोकसभा सीट से उतारना चाहते थे, लेकिन आजम खान इसके लिए राजी नहीं थे। तो क्या इसी के चलते अखिलेश यादव अब चुनाव से बाहर होते नजर आ रहे हैं? बता दें कि पिछली बार कन्नौज सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। इसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल की और सांसद बनी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज।